चुप। अरे साहब रिक्शा का भाड़ा तो दो। आइए आइए, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। माँ का लगता है यही सिंघानिया साहब है। हाँ नट्टू काका, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सर हमारे पास टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस है। पता है। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, मेरी रिक्शा का भाड़ा तो दो। अरे भाई साहब, ये बहुत बड़े सेठ है और बड़े आदमी कभी रिक्शा में नहीं आते। अरे भाई साहब, ये रिक्शा में ही आए है और रिक्शा का भाड़ा नहीं दे रहे। समझ गया, ट्रैफिक से बचने के लिए इन्होंने रिक्शा का इस्तेमाल किया होगा। कई बार ऐसा होता है, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े ट्रैफिक से बचने के लिए बड़े बड़े लोग साइकिल या रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही कहा। वैसे मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी है, लेकिन कभी कभी वक्त बचाने के लिए मैं रिक्शा ले लेता हूँ। देखा, इसे पैसे दो। जी, इतने बड़े आदमी के पास छुट्टे पैसे कहाँ से हो गए। बराबर है। कितने में भाई? 60 रुपया। ठीक है, दे दीजिए। अरे वाह, 60। ठीक है, हो गया। अच्छा, ओके ओके। हाँ ओके। मगा अब फोन करके सेठ जी को बुला ले। जी। कौन सेठ जी? मैं ही हूँ सेठ, इस दुकान का मालिक। एक्सक्यूज मी सर, ये हमारे सेठ जी की जगह है। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ आराम से बैठिए और फिर तय कीजिए आपको क्या क्या खरीदना है। बेवकूफों वाली बात मत करो। मैं अपनी दुकान से माल क्यों खरीदूंगा? रे? और ये मेरी दुकान है, मैं जहाँ चाहूँ खड़ा रहूँ, जहाँ चाहूँ बैठूँ। मेरी दुकान, मेरी मर्जी। तुम कौन होते हो बोलने वाले? मेरी दुकान, मेरी दुकान। हाँ, ये मेरी दुकान है, ये सब मेरा है, तुम दोनों भी मेरे लिए काम करते हो। Really, you have a fantastic sense of humor. आप दुकान का सारा सामान खरीद लेंगे, फिर भी दुकान तो हमारी रहेगी सिंघानिया साहब। सिंघानिया साहब? कौन सिंघानिया साहब? आप? क्या? हाँ, आप राजकुमार सिंघानिया जी है ना? नहीं, मैं राजकुमार सिंघानिया नहीं हूँ। तो कौन है आप? मनहर मनमौजी। मनहर मनमौजी? इस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। ये सब मेरा है, तुम भी मेरे लिए काम करते हो। चलो काम पे लग जाओ, चलो। नट्टू काका, ये सिंघानिया सेठ तो नहीं है, तो फिर ये कौन है और ऐसे बहके बहके बातें क्यों कर रहा है? बाका, मुझे लगता है अपने सेठ जी के कोई दोस्त है और वो हमसे मजाक कर रहे हैं। अच्छा, हो सकता है। ए, क्या खुजूर पुसूर चल रहा है? मेरी दुकान में ये सब नहीं चलेगा। चलो अपना काम करो, काम चोरी नहीं। आप मजाक कर रहे हैं ना? आप हमारे सेठ जी के दोस्त हो ना? मैं ही सेठ जी हूँ, ये मेरी दुकान है, तुम दोनों मेरे लिए काम करते हो। देखिए मनमौजी साहब, बहुत मजाक हो गया, ये दुकान आपकी नहीं है। ये मेरी दुकान है, ये सब मेरा है। अब अगर एक बार भी कहा ना कि ये मेरी दुकान नहीं है, तो मैं ये पूरी दुकान तोड़ दूंगा। सॉरी, हम समझ गए, ये दुकान आपकी है, ये सारा सामान भी आपका ही है, बस आप अपना खुद का नुकसान क्यों कर रहे हो? समझ गए। चलो काम करो। माका, आई थिंक आई वॉज रॉन्ग, ये सेठ जी का दोस्त नहीं लग रहा है। अगर सेठ जी का दोस्त होता तो ऐसा बर्ताव थोड़ी करता। नट्टू काका, मुझे तो लगता है इस आदमी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। शक्लो सूरत से तो ठीक लगता है। हाँ, मुझे लगता है इसके दिमाग पे असर हुआ है। सेठ जी को बुलाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ नट्टू काका,
मैं फटाफट जाके सेठ जी को बुला के आता हूँ। कहाँ जा रहा है? खबरदार जो बाहर गया ना तो सब तोड़ दूंगा। चल काम पे लग, चल। ये ना काम पे लग गये ना। नट्टू काका, अब क्या करेंगे? सेठ जी को दुकान में कैसे बुलाएंगे? ये तो हमें बाहर जाने ही नहीं दे रहा। Don't worry, let me think. Hey, तुम लोग क्या गप्पे लड़ा रहे हो? क्या काम करने आते हो या गप्पे लड़ाने? नहीं 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 नहीं, हम गप्पे नहीं लड़ा रहे हैं। एक्चुअली बात है कि एक टीवी की डिलीवरी करनी है और वो टीवी हमारा गोडाउन में पड़ा है, तो मैं भागल से कह रहा था कि टीवी गोडाउन में से लेकर डिलीवरी करवाते। हाँ धंधा पहले, जाओ जाओ डिलीवरी करके आओ। थैंक यू। और तुम ठीक से काम करो वरना तुम्हारी पगार काट लूंगा। जी जी जी। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। आ गए सिंघानिया साहब, चलो चलो चलो। नहीं नहीं सेठ जी, सिंघानिया साहब नहीं, दुकान में एक सरफिरा घुस गया है। क्या? हाँ सेठ जी, उसे कुछ भी समझाने की कोशिश करो तो दुकान में तोड़ फोड़ करने की धमकी दे रहा है। अरे तो तुम लोगों ने उसको दुकान में घुसने क्यों दिया? वो सेठ जी, उसने कपड़े अच्छे पहने हैं, तो पहले मुझे और नट्टू काका को लगा यही सिंघानिया साहब है। सरफिरा वो नहीं, तुम दोनों हो। अरे क्या सिंघानिया साहब और एक सरफिरे के बीच में फर्क मालूम नहीं पड़ता? कैसे मालूम पड़ेगा सेठ जी, सरफिरे के सर पे लिखा थोड़ी ना होता है मैं सरफिरा हूँ सावधान। वो तो जब उसने बाद में अजीब अजीब हरकत करना शुरू किया और कहने लगा ये दुकान मेरी है, ये दुकान मेरी है, तब मुझे और नटू काका को लगा जरूर कुछ गड़बड़ है। ये दुकान मेरी है, कहीं ये सरफिरा वही तो नहीं जो सुबह चाय की दुकान पे मिला था? सेठ जी क्या सोच रहे हैं, जल्दी चलिए। देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है। क्या गलत फहमी? ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक है, बाहर अपने बोर्ड पे नाम तो पढ़ा होगा पर आपके पास जो कार्ड है उस पे भी तो लिखा हुआ है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उससे क्या? ये हमारे सेठ जी जेठालाल गड़ा जी की दुकान है और आपका नाम है मनहर मनमौ जी। अगर आपकी दुकान होती तो बाहर मनमौ जी इलेक्ट्रॉनिक्स नाम होता ना? नहीं, ये मेरी दुकान है, मेरी मर्जी है, मैं उसका नाम मनहर रखूं, गड़ा रखूं, बड़ा रखूं, तुम्हें उससे क्या? अरे ये तो वही है, वही मतलब जिसने सेठानी जी का कंगन और पोपट बे का छाता ले लिया वो। हाँ वही। अरे बाप रे, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम मेरा पीछा करते हुए मेरी दुकान में आ गए? अरे ये तुम्हारी नहीं, ये मेरी दुकान है। ए, ये तुम्हारी नहीं, ये मेरी दुकान है। अरे नटू काका भागा, बाहर निकालो इसको, बाहर निकालो, बाहर निकालो। नटू काका भागा, किसे बाहर निकालो? अरे ओ गड़े पड़ू गोकर्णदास, जहाँ चाहते हो सब अपना बना लेते हो। अरे सुबह मिला तो चाय की दुकान तुम्हारी हो गई, अब ये दुकान तुम्हारी हो गई। मेरी दुकान में आकर मुझे डांट रहे हो? भागा इसे बाहर निकालो। अरे मैं भागा नहीं, भागा तो ये है। What's in a name? A nose by any other name would smell and sneeze. Wow, snacks beer. Yes. This dukan is to being his or not to being his. That is the question. Baga, इसे बाहर निकालो। अरे बागा मैं नहीं, बागा ये है। आज से तुम ही बागा हो। कान इसे बाहर निकालो, मैं तुम्हारा पगार डबल कर दूंगा। अरे सोच क्या रहे हो नट्टू काका? बागा इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो इसको। ये बाहर निकालेगा? अभी चखाता हूँ। Oh my gosh, सेठ जी,
दिस मैन इज विथ आर्म्स एंड एम्युनेशन। एक मिनट, मैं अभी आया। कोई कहीं नहीं जाएगा, वहीं रहो वहीं रहो। ये सेठ जी, ये पिस्तौल तो नकली लगती है। अच्छा, नकली लगती है, चला के दिखाऊं? हाँ हाँ, चलाइए। अरे ओ लट्टू काका, क्या नहीं 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 नहीं, क्या चला के दिखाओ? अरे जहर ना पारखा ना होए। नहीं 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 नहीं, हम मानते हैं कि ये असली है। अरे इसमें क्या है सेठ जी, वो एक बार बाहर जाके आकाश में गोली बार करे तो अपने आप पता चल जाएगा कि पिस्तौल असली है या नकली। नहीं, मैं बाहर आसमान में गोली नहीं चला सकता। क्यों? अरे भाई, बाहर आसमान में कोई पंछी उड़ता होगा, गोली उसको लगेगी तो मेरे सर पे मैं जीव हत्या का पाप नहीं लेना चाहता। ये बंदूक असली है या नकली ये चेक करना है तो मैं गोली इस दुकान में ही चलाकर दिखाऊंगा। किसको मारूं? अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो अस्सी नब्बे। हमको यकीन हो गया कि ये असली है। नहीं, अब मैं दुकान में गोली चलाकर ही दिखाऊंगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो भागा भागा, कुछ कर कुछ कर, अस्सी नब्बे पूरे सो। पुलिस को बुला, कुछ भी करके पुलिस को बुला। पुलिस? किसने बोला पुलिस? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं बोला। बाघा, अगर पुलिस को बुलाया तो मैं तुम तीनों को गोली मार दूंगा। नहीं नहीं नहीं, कोई पुलिस को नहीं बुलाएगा। बाघा, नट्टू काका, बाघा कोई पुलिस को नहीं बुलाएगा। नहीं बुलाएगा। मुझे पुलिस के नाम से ही नफरत है, फिर पुलिस का नाम लिया ना तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। नहीं नहीं, बोल दिया ना, वो कोई नहीं, नए बच्चे लोग को बोल दिया, कोई कोई नाम नहीं लेगा पुलिस का। बराबर ना? बराबर, कोई नहीं बोलेगा। सेठ जी, कस्टमर आ रहा है, अब क्या करें? अरे बाप रे, कस्टमर ने इसके हाथ में पिस्तौल देख ली तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी। सेठ जी, सेठ जी प्लीज कुछ कीजिए ना प्लीज। सेठ जी, सेठ जी कस्टमर आ रहा है, क्या वो आपके हाथ में पिस्तौल देखेगा ना तो डर जाएगा, तो बिना कुछ खरीदी किए वापस चला जाएगा, तो आपका ही नुकसान होगा। इसलिए लाइए पिस्तौल, मुझे दे दीजिए, लाइए। अरे तुम्हें क्यों दूं? मेरी पिस्तौल है। नहीं नहीं, आपकी है। एक काम कीजिए, अपने हाथों से मेरी जेब में रख दीजिए। तुम्हारी जेब में क्यों रखूं? मैं अपनी जेब में रखूंगा। अब तक जेब में ही तो थी। वो कहते हैं ना, सावत तो सूते लाज सारा, वैसे पिस्तौल तक हिस्सा मत सारी। बराबर है। एक्सक्यूज मी, मुझे एक डबल डोर का फ्रिज चाहिए। आइए मैं दिखाता हूँ। नहीं, मैं दिखाऊंगा। अरे सेठ जी, हमारे होते हुए आप क्यों तकलीफ ले रहे? हम है ना, हम दिखाते हैं। मैंने बोला ना, मैं दिखाऊंगा, दिखाऊं। हाँ दिखाई। मतलब फ्रिज, फ्रिज ये नहीं, फ्रिज दिखाई। ये है फ्रिज। अरे ये तो वॉशिंग मशीन है भाई। ये वॉशिंग मशीन खरीदोगे तो फ्रिज फ्री में मिलेगा। अरे ये कब हुआ? इसीलिए ये है फ्रिज। अरे भाई, मेरे घर में वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन नहीं चाहिए मुझे, मुझे फ्रिज ही चाहिए। अभी मुझे एक बात बताइए, अगर मैं फ्रिज लूंगा तो उसके साथ मुझे क्या फ्री मिलेगा? कुछ भी नहीं, यहाँ कोई फ्रिज बिकाऊ नहीं है। अगर वॉशिंग मशीन खरीदोगे तभी फ्रिज मिलेगा। अरे भाई, मुझे वॉशिंग मशीन नहीं खरीदना है। भाई साहब देखिए, मैं क्या कहता हूँ, अभी आप ले लीजिए, फ्रिज रख लेना, वॉशिंग मशीन किसी और को बेच देना, तो आपका तो फायदा ही है ना। ठीक है, मेरे साले को वैसे भी वॉशिंग मशीन चाहिए था, मैं उसको बेच दूँ। हाँ। ये वॉशिंग मशीन कितने का है? 40,000।
40,000 सेठ जी, 40,000 वॉशिंग मशीन और फ्रिज दोनों का मिला के बोला ना। अरे वाह क्या बात है सेठ जी, क्या बात है। बराबर है 40,000। नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों को कुछ नहीं पता है, ये वॉशिंग मशीन 4,000 का है। 4,000 और इसके साथ जो भी फ्रिज चाहिए ले जाओ फ्री। अरे अरे, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया ऑफर है। मैं आज ही मेरे सारे रिश्तेदारों को इस दुकान में भेज देता हूँ। ये घन चक्कर को रोका नहीं तो एक ही दिन में ये तो मेरी पूरी दुकान भी खो देगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। भाई साहब, आप ये वॉशिंग मशीन फ्रिज सब ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में कोई कंप्लेन लेके मत आना, है ना सेठ जी? कंप्लेन? कैसी कंप्लेन? ये कि ये वॉशिंग मशीन कपड़े नहीं धो रहा है, ये फ्रिज ठंडा नहीं हो रहा है, वगैरह वगैरह। क्या? अरे फ्रिज ठंडा नहीं होगा, वॉशिंग मशीन कपड़े नहीं धोएगा, तो फिर किस काम का है वो? वो तो अभी आप देख लो, आपका प्रॉब्लम है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। खाली आप बाद में कोई कंप्लेन लेके मत आना, क्या हमारे सेठ जी को कंप्लेन पसंद नहीं, उनको गुस्सा आ जाता है ना सेठ जी? कंप्लेंट लेकर मत आना वरना मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। जो मुझे लगा ही, इतना सस्ते में बेच रहे हो, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। नहीं खरीदना है मुझे। अरे नहीं खरीदना है तो हमारे सेठ जी का टाइम बर्बाद क्यों किया? सेठ का टाइम बर्बाद क्यों किया? इससे पहले कि हमारे सेठ जी आपको दुकान से धक्के मार के बाहर निकाल दे, आप खुद ही चले जाइए। हाँ फिर कभी आइए। हाँ यहाँ से जाओ और यहाँ वापस कभी मत आना। यहाँ आ जाता हूँ, कस्टमर नहीं चाहिए तो क्यों खोल के बैठा हूँ दुकान में? अरे मेरी दुकान है, मेरी मर्जी, मैं बंद रखूँ खोलूँ कुछ भी करूँ। सेठ जी, एक तो मंदी चल रही है, उसमें भी बड़ी मुश्किल से एक ग्राहक आया था, उसे भी भगा देना पड़ा। कुछ भी करके पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा अभी। लेकिन सेठ जी, इसके सामने पुलिस को फोन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एक काम कर भगा, कुछ भी बहाना बना के बाहर जा, बाहर से पुलिस को फोन करते। जी सेठ जी। सेठ जी, वो कस्टमर ने आपका दिमाग एकदम खराब कर दिया। नहीं, मैं काम करूं, मैं बाहर जाता हूं और आपके लिए मस्त गर्मा गर्म मसाले वाली चाय लेकर आऊं। हाँ बोल क्या, बोल क्या। नहीं मैं चाय नहीं पीता। अरे तो कॉफी कॉफी लेके आऊं? हाँ बोल क्या, बोल क्या। नहीं मैं कॉफी भी नहीं पीता। बाप रे, यहाँ पे फालूदा बहुत मस्त मिलता है सेठ जी, मैं आपके लिए मस्त ठंडा ठंडा फालूदा लेके आऊं? हाँ ले क्या, ले क्या। मुझे फालूदा वालूदा कुछ नहीं चाहिए, चलो 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 चलिए। कुछ भी करके पुलिस को फोन तो लगाना ही पड़ेगा। दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप ही की कार में कोई आपको आपके कार का ड्राइवर बना दे, या आप ही के घर में कोई आपको नौकर बना दे। आपके ऐसा थोड़ा ही होता है। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नहीं होता है। सामान्य लोगों के साथ ऐसा कतई नहीं होता है, आपके साथ भी नहीं होगा। लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल की कुंडली तो कुछ अजीब है ना, उसके साथ हो गया। वो अपनी ही दुकान में नौकर बन चुका है और सरफ रेने ने दुकान पे कब्जा कर लिया और उसके हाथ में पिस्तौल भी। अब क्या करेंगे जेठालाल, पुलिस को कैसे बुलाएंगे? और पुलिस तो आएगी तब आएगी, लेकिन बबीता जी आने वाली है। बबीता जी आएंगी तब क्या होगा, सिंघानिया आएगा तब क्या होगा? भाई जो जो भी आएगा साथ में अपने हंगामे लेके आएगा। वॉशिंग मशीन में जैसे कपड़े धुलते हैं ठीक वैसे ही जेठालाल आज धुलने वाले, और फ्रिज में जैसे पानी जम के बर्फ बन जाता है ऐसा ही कुछ होने वाला है जेठालाल के साथ। क्या होगा, जो भी होगा होगा ठहाकों के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।